सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र शुरू होने से पहले ही मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया है। मूर्तिकार इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुर्गा पूजा से पहले लखनऊ में कारीगरों ने माता रानी की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार करना शुरू कर दिया है। चंदन राजपूत पिछले 3 दशकों से गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा सहित विभिन्न त्योहारों के लिए मूर्तियां बना रहे हैं। 30 साल के ऊपर से चल रहा है ये। शुरुआत मम्मी ने की थी हमारे, तो उसके बाद शुरुआत में तो 2 ही 4 मूर्तियां थी। उसके बाद इसका जैसे प्रचलन बड़ा बड़ा जागरण का और नवरात्रि में रखने का, उसके हिसाब से हम लोग के वहाँ मूर्तियां भी बढ़ने लगी हैं। तो इस समय कम से कम हमारे पास 300 से 400 मूर्तियाँ हैं लगभग। और लोग पूरा लखनऊ, लखनऊ के बाहर उत्तर प्रदेश पूरा और इसके बाहर भी जितने ऑर्डर आते हैं वो गणेश पूजा और ये नवरात्रि दोनों ही का करते हैं। मूर्ति बनाने वाले कई कलाकार कोलकाता से लखनऊ आते हैं। मूर्तियों को तैयार करने के लिए धान के भूसे, बांस और मिट्टी जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से मूर्ति बनाते हैं? हाथ से ही बनाते हैं, वो लकड़ी, दूरी, बांस, पत्थरा सभी लगता है। एक मूर्ति बनाने का टाइम लग जाता है आपको? अभी लगेगा, अब तो ऐसा भला बनाएगा तो 2-3 घंटा लग जाएगा। अच्छा। पूरा कंप्लीट करने में वो अभी 10 घंटा लग जाएगा। मूर्तियों को तैयार करने के बाद उन पर बहुत सावधानी से और बारीकी से पेंटिंग की जाती है। कितना टाइम लगता है एक मूर्ति पेंटिंग? एक मूर्ति में कम से कम 3 से 4 घंटे। और कैसे क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या नीचे पूरा पेंटिंग करना, भैंसा हुआ, राक्षस हुआ, शेर, माता जी, ये सब 4 चीजें हैं। और किस तरह से करते हैं ये? मशीन से भी होता है, ज्यादा करके मशीन से सब होता है। सिर्फ जो महीन महीन काम होते हैं वो ब्रश से होते हैं। कितना इस महीने में कितना आप लोग कर देते पेंट? वो जैसी जगह मिल गई सही से तो 15-20 मूर्ति। बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है।